सम डिवीजन मेथड का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय सम डिवीजन मेथड। इससे पहले जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था वो था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हमें करना क्या है, पहले हम ये पूरा नंबर लिख लेते हैं 5, 4, 7, 5, 6, राइट। जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में कहा था कि राइट साइड से आप दो दो के इस तरीके से पेयर बनाना शुरू करते हैं, राइट। दो डिजिट्स का पेयर बनाए, यहाँ भी दो डिजिट्स का पेयर बनाए, एक बचा उसको सिंगल रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बतानी है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके स्क्वायर रूट में तीन डिजिट्स आएंगे। इसका जो भी यहाँ स्क्वायर रूट आएगा उस नंबर में तीन डिजिट्स होंगी। देखिए जितने बार्स होते हैं ऊपर उतनी ही डिजिट्स आपकी आती है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। आप यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। जो नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लेना है, मीन्स सेम नंबर लेना है। और खुद जो भी नंबर है आप उसको अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम स्क्वायर्स भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ, यहाँ भी 2 लिखूँ तो 2 2 4, 3 को यहाँ लिखूँ यहाँ भी लिखूँगी तो 3 3 9, मतलब जो भी यहाँ मैं नंबर लिखूँगी उसका स्क्वायर मुझे यहाँ पर लिखना है। ये फर्स्ट में ही होगा, फर्स्ट स्टेप में। तो ये है 5। आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 5 या 5 से कम आए, ठीक है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लेना है। तो 2 2 4, आप ये कहें कि 2 1 2 हो जाएगा, वो नहीं। या फिर 3 2 लिख दें, यहाँ दूसरा नंबर यहाँ दूसरा नंबर, नहीं वो नहीं लिखना है, राइट। तो 2 2 4, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है 1, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, अब आपने ये जो पेयर बनाए थे ना ये पूरा पेयर आपको नीचे लेना है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 147, ठीक है। ये तो बेसिक स्टेप है जो आप लोगों को मालूम है, सिंपल डिवीजन में भी हम लोग करते हैं। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ऐड कर दीजिए खुद से। सो 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे वो आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। अब आप 2 को नहीं देखेंगे, ठीक है, 2 को नहीं देखेंगे, अब आप यहाँ वाले नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप नंबर लिखेंगे वो 4 के साथ पढ़ा जाएगा एक साथ। जैसे 40 है, 41 है, अब 249 जो भी यहाँ पर, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको 3 से ट्राई करते हैं, राइट, 43। सो अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी 3 लिखना है। मैंने थोड़ी देर के लिए 2 हटा दिया ताकि आपको पता चले कि आपको 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर से 2 हटा दिया है, अब आपको पता लगी आपको करना क्या है 43 को। ये तो पूरा नंबर मिल गया 43, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 3 9 एंड 3 4 12, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 - 9 = 8, 3 - 2 = 1। अब उसके बाद ये पूरा पेयर नीचे ले लीजिए 5 6। यहाँ पर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ था, मैंने नया नंबर क्या लिखा था यहाँ पर 3। अब आपको करना क्या है, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, राइट। 3 आप ऐड कर लेंगे तो अब ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 43 + 3 = 46, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे वही करेंगे, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है। जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है, राइट। तो हम काम करते हैं किससे स्टार्ट करते हैं, हम 4 से स्टार्ट करते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं लिखूँगी 464 तो मुझे यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। फिर अब आप 3 को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए तो आपको 464, जैसे ये 43 बन गया था ना, ऐसे ये नंबर क्या बन जाएगा, 464। अब इस 464 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो देखिए मैंने यहाँ 4 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 6,
ये ना, ठीक है। अब अगर मैं फोर से नहीं ये होगा तो फिर मैं यहाँ नंबर ट्राई करूँगी सिक्स। अच्छा मैं ये दो नंबर्स क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। ये दो नंबर्स मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रॉपर्टीज में जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो स्क्वायर्स लिखे थे उनमें एक मैंने खास चीज़ बताई थी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ वो चीज़। पहले मैं इनके स्क्वायर लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज़ जो है क्यों बोली, क्यों मैं ये सिर्फ दोनों नंबर्स को ही ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अब देखिए, जब मैं बोल रही हूँ कि जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 464 मल्टीप्लाई बाय 4। मीन्स अल्टीमेटली जो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, इन सब की यूनिट्स डिजिट अगर आप देखेंगे तो 1 और 9 ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके यूनिट्स डिजिट क्या आती है, 1, ठीक है। 2 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनको हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी यूनिट्स डिजिट 4 आती है। या तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 मिलेगा, या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 4 मिलेगा, राइट। उसके बाद 3 और 7 एक ऐसा पेयर है जिसमें आपको यूनिट्स डिजिट 9 मिलता है। 4 और 6 ऐसा पेयर है जिसमें आपको यूनिट्स डिजिट 6 मिलता है। और ये 5 तो 5 है ही, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 5 मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप इन नंबर्स के अलावा जो मैंने नंबर्स बताए थे 2, 3, 7 और 8, देखिए 1 के बाद 2, 3, इसके बाद 5 हमारे पास है, 6 हमारे पास है, 7 और 8, ये चारों नंबर अगर किसी भी नंबर की यूनिट्स डिजिट होते हैं तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है आप लोगों को, मैंने एक बार फिर आपको ये चीज़ रिवाइज करवा दी है। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 16, 4 6 24, 4 4 16 + 2, 1 8 5 6, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। सॉल्व होने के बाद हमें क्वेश्चन की जगह पर क्या मिला है, अब मैं ये पूरा नंबर लिख दिया, राइट। पहले लिखा था मैंने 2, फिर था 3 और अब ये है 4। तो पूरा नंबर क्या हो गया, तो इसका मतलब है कि जो इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला है वो है हमारे पास 234, मतलब 234 को हम खुद 234 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 54756। देखिए ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं समझती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़्यादा इजी मेथड ये है। तो अगर आप इसको आप समझ लें अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, ये सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, ठीक है। इसमें 2-3 आपको रूल्स फॉलो करने हैं, बस वही फॉलो करके आप बहुत आराम से इसके स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया है तो पहले तो और वीडियोस देखिएगा, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर से।